करीब 3 महीने से चल रही राहुल गांधी की पदयात्रा का फायदा दिखने लगा है। विपक्षी कुनबे का एक तबका मानने लगा है कि राहुल में दम है और वो विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। सत्ताधारी भाषाली एक सिंगल भूमिका घेतली होती। राहुल गांधींचा तर वाढण्याचा दृष्टिकोन जो दूषित करण्याचं काम हा भाजपा होत होता, त्याला एक उत्तर मिळालं। हा एवढा मोठा लांबचा कार्यक्रम आहे, सोपं नाही। ये वही शरद पवार है जिन्होंने अक्सर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और राहुल को लेकर कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी पर शरद पवार के बयान के बाद कांग्रेस गदगद है। बहुत खुशी बात है उसी पर, डे बाय डे रेस्पॉन्स इज इंक्रीजिंग, व्हाट यू आर टेलिंग राइट बियॉन्ड पॉलिटिकल लिमिट, कास्ट, कम्युनल, एवरीथिंग, एवरीबॉडी लाइक राहुल गांधी, दे आर ऑल कमिंग टू ग्रीट हिम। बहरहाल चंद दिनों पहले तक राहुल में निरंतरता की कमी देख रहे शरद पवार को अब राहुल की मेहनत पर भरोसा हो चला है। तो क्या राहुल गांधी की छवि बदल रही है? शायद हाँ। ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। कुछ बातों से नजरें नहीं छुड़ाई जा सकती हैं। आपने जो भी देश में एक क्रांतिमय यात्रा जो हो रही है और खासकर यूथ आइकॉन राहुल गांधी की, जो आज देश में लोगों की और खासकर इस यात्रा की वजह से वो युवा पीढ़ी की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हो गए हैं। आज राहुल गांधी के लिए बिहारी बाबू की तारीफ कांग्रेस को खुश कर गई, लेकिन टीएमसी बिफर गई। एक पार्टी का प्रोग्राम के बारे में दूसरा पार्टी का कमेंट करना ठीक नहीं है। जो कोई भी शत्रुघ्न सिन्हा जी कहा है वो शायद उनका पर्सनल ओपिनियन होगा। मेरा तो कहना यह है कि भारत को जोड़ने का पहले सबसे पहले अपना दल को, पार्टी को जोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप टूटते जा रहा है, जिस तरीके से G23 का नाम में कांग्रेस का एक से बढ़कर एक वरिष्ठ लीडर कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। हमारे आलोचक भी अभी आज सकारात्मक बयान दे रहे हैं, अच्छा है। बयान अलग कह रही है और इसके इन बयानों के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है, वो अपने आप कर रहे हैं। राहुल की पदयात्रा करीब 3 महीने पहले शुरू हुई थी। इन 3 महीनों में राहुल के महंगे टी शर्ट पर सवाल उठे, राहुल के महंगे जूतों पर विरोधियों की नजर टिकी, भारत जोड़ो के एसी कंटेनर्स पर विवाद हुआ, फिर जोरदार ठंड में सिर्फ टी शर्ट पहनने पर सवाल खड़े हुए और सवाल अब भी है। इतना तो है ही राहुल जी का योगदान कि उन्होंने कांग्रेस को 50 के नीचे पहुंचा दिया। जो विगत 7 वर्षों में उनके कार्य प्रणाली रही है वह बताता है कि उनके लिए छुट्टी है। राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं, तो सबको अगर इकट्ठा करना है तो कांग्रेस का और इनका रोल तो सबसे अहम है। अनप्रेसिडेंटेड समर्थन मिला हर वर्ग से। शरद पवार राहुल गांधी से विपक्ष को एकजुट करने की उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के पूरा होने में कई रोड़े भी हैं। ज्यादातर क्षत्रपों के अपने सपने हैं और अपनी सियासी हसरतें भी। आज तक ब्यूरो।